गुड मॉर्निंग 8th क्लास स्टूडेंट्स, आज साइंस की क्लास में हम आपको चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो का टॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस के बारे में समझाएंगे। क्या है हमारा आज का टॉपिक? माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हम। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? हमारी लाइफ्स में बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मेनी वेज, वेयर सम अदर्स आर हार्मफुल एंड कॉजेस डिसीजेस। इनमें से कुछ कैसे रहते हैं? बेनिफिशियल रहते हैं, और कुछ कैसे रहते हैं जो क्या करते हैं? हार्मफुल मतलब जानलेवा बीमारियाँ फैलाते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल्स। अब हम उसके बारे में आगे जो डिटेल में है वो पूरा पढ़ते हैं। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं? फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर वेरियस पर्पसेस। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं वो अलग पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। दे आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। ये किसके लिए यूज किए जाते हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म? दही बनाने, कर्ड बनाना मतलब दही, ब्रेड मतलब ब्रेड, और केक मतलब केक बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल सिंस एजेस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल बनाने के लिए भी क्या करते हैं? अब यूज़ किए जाते हैं। दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप द इन्वायरमेंट। ये क्यों यूज़ किए जाते हैं? इन्वायरमेंट को क्लीन, साफ करने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द ऑर्गेनिक वेस्ट, वेजिटेबल पील्स, रिमेन्स एनिमल फिशेस एक्सेट्रा। एग्जाम्पल पर ऑर्गेनिक वेस्ट, जो जैविक वेस्ट, जैविक जो हमारे घरों से जैविक कचरा निकलता है, जैसे कि वेजिटेबल, सब्जियों के छिलके और दूसरे एनिमल्स के जो फिशेस रहते हैं वो, आर ब्रोकन डाउन इनटू अ हार्मलेस एंड अनयूजेबल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया। ये कैसे रहते हैं? हार्मलेस रहते हैं और अनसेबल बैक्टीरिया से दूर रहते हैं। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। अब आपको ये याद आता है कि बैक्टीरिया जो है उसको भी मेडिसिन बनाने के लिए क्या किया जाता है? यूज़ किया जाता है। किसको? बैक्टीरिया को। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय मिक्सिंग नाइट्रोजन। एग्रीकल्चर के फील्ड में उसको क्या करते हैं? सॉइल फर्टिलिटी मतलब मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति रहती है उसको बढ़ाने के लिए किसका यूज़ करते हैं? हैं बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं। क्या नाम है उसका? नाइट्रोजन फिक्सेशन। मेकिंग कर्ड एंड ब्रेड। अब दही और ब्रेड कैसे बनाते हैं? यू लर्न इन क्लास 7 दैट टर्न इनटू अ कर्ड बाय बैक्टीरिया। आपने क्लास 7th में पढ़ा है कि बैक्टीरिया क्या करते हैं? दही को बनाते हैं। आई सॉ दैट माई मदर एडेड अ लिटिल कर्ड टू वार्म मिल्क टू सेट कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे। आई वंडर वाई। अब मैंने ये देखा है कि जो मेरी मम्मा है वो क्या करती है, थोड़ा गर्म दूध में क्या करती है? दही को डाल देती है और उसको दूसरे दिन तक रख देती है। अब मेरे मन में ये आता है कि ऐसा क्यों होता है? कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। कर्ड के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जैसे कि बैक्टीरियम और लैक्टोबैसिलस, जो क्या करते हैं? दूध को किसके फॉर्म में चेंज कर देते हैं? दही के फॉर्म में चेंज कर देते हैं। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट इनटू अ कर्ड। ये दूध के साथ मिलकर क्या बना देते हैं? दही बना देते हैं। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़। बैक्टीरिया चीज़ बनाने के लिए भी इन्वॉल्व किए जाते हैं, पिकल्स अचार बनाने के लिए एंड मैनी अदर फूड आइटम। और भी बहुत सारे फूड आइटम्स बनाने के लिए बैक्टीरिया का हम यूज़ करते हैं। एन इम्पॉर्टेंट इंटीग्रीडेंट ऑफ रवा, सूजी, इडलीस एंड भटूरास इज कर्ड। अब एक दूसरा इम्पॉर्टेंट इंटीग्रीडेंट है रवा। रवा देखा होगा आपने, जिसे क्या कहते हैं? सूजी। इसे इडली बनाने के लिए और भटूरा बनाने के लिए क्या करते हैं? इसमें दही का उपयोग करते हैं। कैन यू गेस वाई? क्या बता सकते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं वो? बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फॉर्मेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा बटर। बैक्टीरिया क्या रहते हैं? जो ईस्ट मतलब खमीर बनाने के लिए यूज़फुल रहते हैं, जिससे वो इडलीज को और डोसा को क्या करते हैं? अच्छा बनाते हैं। एक्टिविटी 2.3। एक्टिविटी 2.3 क्या कह रही है? टेक 1/2 kg फ्लोर, आटा और मैदा। आपको क्या लेना है? आधा किलो या तो आटा लेना है या मैदा लेना है। एड सम शुगर एंड मिक्स विथ वार्म वाटर। अब उसको गर्म पानी में शक्कर डाल के थोड़ा सा मिक्स करना है,
एड स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर एंड नीड टू मेक सम सॉफ्ट डो। और उसके अंदर थोड़ा सा क्या डालना है, जो ईस्ट पाउडर आता है, खमीर पाउडर आता है, वो डालना है और उसका डो बना के रख देना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 आवर्स, अब 2 घंटे बाद आपको उसमें क्या दिखाई देगा। डिड यू फाइंड द डो राइजिंग, क्या आपको वो जो डो है, वो जो आटे का घुटा हुआ गोला है, वो क्या आपको फुला हुआ दिखाई देगा क्या। आप ये डायग्राम देखिए, ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। इसने क्या करा, रिप्रोड्यूस किया और प्रोड्यूस क्या करी, कार्बन डाइऑक्साइड को रेस्पिरेशन द्वारा प्रोड्यूस की। बबल्स ऑफ गिल्स फिल्स द डो एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, अब उसके अंदर बबल्स आए और उसका जो वॉल्यूम था वो क्या हुआ, बढ़ गया। दिस बेसिस ऑफ यूज ऑफ ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड पेस्ट्रीज एंड केक, इस प्रकार के जो ईस्ट प्रोसेस है ये इंडस्ट्री में यूज़ किया जाती है बेकिंग इंडस्ट्रीज में ब्रेड और पेस्ट्री और केक बनाने के लिए। कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब कमर्शियल यूज़ कैसे किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बड़ी पैमाने पर अल्कोहल का प्रोडक्शन करने के लिए यूज़ किया जाता है। वाइन एंड एसिटिक एसिड विनेगर, जो वाइन बनाने के लिए एसिटिक एसिड और विनेगर बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ईस्ट इज़ यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन, ईस्ट जो रहता है कमर्शियल प्रोडक्शन में अल्कोहल और वाइन का बनाने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर दिस पर्पज ईस्ट इज़ ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन ग्रेन लाइक बैरली व्हीट राइस क्रश्ड फ्रूट जूस एक्सेट्रा। इसी के उपरांत जो नेचुरल शुगर रहते हैं जैसे कि बैरली व्हीट राइस, मतलब गेहूँ चावल, और इन सबको क्या करते हैं, क्रश करते हैं, पीसते हैं। एक्टिविटी 2.4, अब एक्टिविटी 2.4 क्या कहती है, टेक 50 ml बीकर अप टू 3/4 विथ वाटर, अब आपको 3/4 500 ml के वाटर को पानी से भरना है। डिसॉल्व 2-3 स्पून शुगर, उसके अंदर 2 से 3 चम्मच क्या डालना है शुगर। एड 1/2 स्पून ऑफ ईस्ट पाउडर टू द सॉल्यूशन, अब आपको उसमें 1/2 चम्मच ईस्ट पाउडर डालना है। कीप इट कवर इन अ प्लेस फॉर 4-5 आवर्स, अब आपको क्या करना है, 4 से 5 घंटे के लिए उसको ढक कर रख देना है। नाउ स्मेल द सॉल्यूशन, अब उस सॉल्यूशन की स्मेल आपको देखनी है। कैन यू गेट अ स्मेल, क्या आपको उसमें से स्मेल आएगी। This is a smell of alcohol as sugar has been converted into alcohol by yeast. क्या होगी उसकी जो उसमें से जो स्मेल आएगी वो काई की स्मेल होगी, अल्कोहल की। क्यों, क्योंकि जो वो शुगर थी वो ईस्ट के साथ मिलकर क्या बन गई, अल्कोहल बन गई। दिस प्रोसेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ शुगर इन अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन, ऐसी प्रोसेस जिसमें शुगर कन्वर्ट होकर अल्कोहल बना देती है वो क्या कहलाता है, फर्मेंटेशन। लुईस पाश्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857, लुईस पाश्चर जो थे उन्होंने फर्मेंटेशन को क्या किया था, डिस्कवर किया था, कब, 1857 में। 8th class स्टूडेंट्स, आपकी आज की साइंस की क्लास यहीं पर फिनिश हुई। नेक्स्ट क्लास में हम आपको मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में समझाएंगे। अगर इसके पहले का चैप्टर या ये चैप्टर आपका स्टार्टिंग से छूट गया है तो आप स्कूल के यूट्यूब चैनल पर इसको देख सकते हैं, और इसके पहले वाले चैप्टर की कॉपीज चेक कराने आपको स्कूल में आना है।